हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु सिंह तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ एडी रॉक का, वो भी एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर। और इस सॉन्ग का नाम है कुछ टाइम रुक। और इस बार एडी रॉक के साथ जो है शैडो भी आए हैं और इनको मैं फर्स्ट टाइम सुनूंगी। और इस सॉन्ग को प्रोड किया है बॉम स्टार प्रिंस ने। और इस सॉन्ग का जिस तरह से टाइटल नेम है कुछ टाइम रुक, तो ये जो सॉन्ग है कुछ अलग ही होने वाला है। तो पहले सॉन्ग सुन लेते हैं, इस सॉन्ग में एडी रॉक क्या कुछ लेकर आए हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ टाइम रुक, तुझे लोग भी तो जानेंगे। कुछ टाइम रुक, तेरा नाम भी पहचानेंगे। कुछ टाइम रुक, तू आग लगाएगा। कुछ टाइम रुक, हेडलाइन बन के छाएगा। कुछ टाइम रुक, तुझे लोग भी तो जानेंगे। कुछ टाइम रुक, तेरा नाम भी पहचानेंगे। कुछ टाइम रुक, तू आग लगाएगा। कुछ टाइम रुक, हेडलाइन बन के छाएगा। सुन मेरे भाई, मुझे देना ना तू धमकी। अम्मी अबू को भी मुझ पे यकीन है, माँ की दुआ साथ तो छू लूंगा गगन भी। छोटा शहर मेरा सोच रखी छोटी नहीं, ऐसे दिन देखे मैंने जब खाने को रोटी नहीं। सुबह तो होगी ये उम्मीद लिए बैठा हूँ, ये कैसी रात इसकी सुबह कभी होती नहीं। क्या होगा सपनों का सोच के मैं सो नहीं पाता, किस्मत खराब मेरी जो चाहता वो मिल नहीं पाता। घर मेरा उतना बड़ा जितना खाली कमरा तेरा, घर में सब होते जो खुल के कभी रो नहीं पाता। गलती की मैंने इतना बड़ा ख्वाब देखा, घर की तकलीफ पे मेरी माँ को मैंने रोता देखा। ए मेरी माँ, तेरे लिए सबसे लड़ जाऊं मैं, रखना भरोसा माँ, दिन बदलेगा तेरा बेटा। कुछ टाइम रुक, तुझे लोग भी तो जानेंगे। कुछ टाइम रुक, तेरा नाम भी पहचानेंगे। कुछ टाइम रुक, तू आग लगाएगा। कुछ टाइम रुक, हेडलाइन बन के छाएगा। खुद को रुलाया जब जेब में ना पैसे कोई पास भी ना आया। रोज पन्नों पे लिखा मैंने खुद को सिखाया, माँ बाप के ही साथ मैंने घर को बसाया। रोज सपना में देखूं कुछ बन के दिखा रहा हूँ, खाली टाइम नहीं बस काम करता जा रहा हूँ। एक दिन आएगा ये खुद को समझा रहा हूँ, जल्दी से बेटा बन टाई को मिला रहा हूँ। खुद को बनाना है असली का आर्टिस्ट, माँ मेरे पास में है करेगी सिफारिश। बापू है पास में तो कर दूंगा बारिश, दिल से तो प्यार कर करूंगा ना खारिश। अपनों ने कहा मुझे गलती से वारिस, सब की सिफारिश अपनों से चलती। पापू मेरे साथ खड़े और की जलती है, तेरी नहीं गलती है, मैंने करी मेहनत मिलती है ऊपर वाले से रहमत। चेहरे पे खुशी बेटा बार बार दिखती, इज्जत बनाई ये बाजार में नहीं बिकती। माँ पे है घर की ये खुद में है सख्ती, लिखने की आर्ट और कला भी नहीं दिखती। शुक्रिया है उनका जो लाए मुझे यहाँ तक, आगे तक करूंगा मैं उनकी हिफाजत। फैंसों के प्यार मिले खुद बना फाटा, गर्व से मैं कहता हूँ बापू मेरे घाटा। कुछ टाइम रुक, तुझे लोग भी तो जानेंगे। कुछ टाइम रुक, तेरा नाम भी पहचानेंगे। कुछ टाइम रुक, तू आग लगाएगा। कुछ टाइम रुक, हेडलाइन बन के छाएगा। कुछ टाइम रुक, तुझे लोग भी तो जानेंगे। कुछ टाइम रुक, तेरा नाम भी पहचानेंगे। कुछ टाइम रुक, तू आग लगाएगा। कुछ टाइम रुक, हेडलाइन बन के छाएगा। ग्लैमर मन के छाएगा। और इस तरह के जो लिरिक्स लेकर आए यहाँ पर एडी रॉक, यानी एक तरह से वो मोटिवेशन लाइंस लेकर आए यहाँ पर। और जिस तरह से उन्होंने इस सॉन्ग में अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में भी बताया, वो काफ़ी सही लगा। और साथ ही साथ इस बार जो है एडी रॉक जो सॉफ्ट जोन में आए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। हम उनके काफ़ी हार्ड जोन सुन चुके हैं, काफ़ी हार्ड जो है उनका फ्लो सुन चुके हैं, और राइमिंग उनकी जिस तरह से फास्ट होती है वो सुन चुके हैं। और इस बार वो इतना जो है सॉफ्ट जोन लेकर आए हैं, इतने सॉफ्ट वे में आए हैं, वो काफ़ी सही लगा। और लिरिक्स उनके इतने अच्छे लगे इस सॉन्ग में, वो काफ़ी सही लगे। यानी इस बार एडी रॉक एक अलग ही जोन में आए हैं, एक सॉफ्ट जोन में आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपनी माँ के बारे में बोला इस सॉन्ग में, वो काफ़ी सही लगा। माँ की दुआ होगी साथ तो गगन भी छू लूंगा, और इस तरह की अलग ही वाइब लेकर आया है एडी रॉक इस सॉन्ग में,
तो वो काफी सही लगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एडी रॉक ने यही बोला कि ऐसे दिन भी देखे हैं कि खाने को नहीं था घर में और सपना देखा था, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो सपना देखा है ये किस तरह पूरा होगा। और रोना को जी चाहता था पर रो नहीं पाता था क्योंकि घर में जो है सब होते थे। और इस तरह की जो लाइंस लेकर आए यहाँ पर एडी रॉक, यानी उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इस सॉन्ग में जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से बताया है, वो काफ़ी हार्ड टची भी था। और जिस तरह से इस बार जो सॉफ्ट जोन में आया एडी रॉक वो काफ़ी सही लगे। जल्दी से बेटा बंटाई को ला रहा हूँ, और यहाँ पर जिस तरह से शैडो ने ये लाइन बोली और जिस तरह से उनकी राइमिंग थी वो काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ मैंने फर्स्ट टाइम जिस तरह से शैडो को सुनाया तो मुझे उनकी वॉइस काफ़ी अच्छी लगी, और उनकी जिस तरह से राइटिंग थी, जिस तरह से उन्होंने लिखाई लिखी है, जिस तरह से राइमिंग करी है वो काफ़ी अच्छी लगी। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर बॉम स्टार प्रिंस का जो म्यूज़िक था वो काफ़ी अच्छा लगा, उस म्यूज़िक से भी इस सॉन्ग में जान आ रही थी। तो मुझे इस सॉन्ग में एडी रॉक भी अच्छे लगे, जो कि अच्छे लगते हैं या उनकी एक अलग वाइब लेकर आए हैं जिस तरह से वो इस बार। और इस सॉन्ग में मुझे शैडो भी काफ़ी अच्छा लगा, उनके भी लिरिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और जिस तरह से इस सॉन्ग का टाइटल नेम था कुछ टाइम रुक, और कुछ टाइम रुक लोग तुझे जानेंगे, और जिस तरह से हम सबके लिए ये एक मोटिवेशन लाइन थी तो वो काफ़ी अच्छी लगी। जिस तरह से एडी रॉक इतने डिफरेंट वे में इस सॉन्ग को लेकर आए वो काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस मुझे तो ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सॉन्ग को इन्जॉय किया काफ़ी। और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, मधुफिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।